हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। जय श्री महाकाल। जैसे कि दोस्तों आप लोग साइड में पहले देख लीजिए प्रूफ, ठीक है। ये मैंने अपना इंस्टाग्राम आईडी, न्यू आईडी बनाया था, ओपन कर रखा है, ठीक है, सम्राट जोन 23 के नाम से, ठीक है। और आप लोग मेरा व्यूज देखिए, 3,000 व्यूज और 18 18,000 व्यूज, ठीक है, 18.2, ठीक है, 18K व्यूज, ठीक है। मैं आपको और दिखाता हूँ, 14K व्यूज, ओनली फोटो पोस्ट किया था थोड़ा एडिट करके, ठीक है। और दिखाता हूँ आपको, ठीक है। इस पे देखो 300, देखो 200, 500, ठीक, किसी किसी पे थोड़ा कम है। और इस पे देखो 50,000 व्यूज है। जैसे कि मैंने इस वाली पोस्ट पे, रील्स पे ये बताया था कि हमारा जो चैनल था फर्स्ट वाला, वो डिलीट हो गया है, ठीक है। तो उसके बारे में मैंने बताया था लोगों को, तो आप यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 50,000 व्यूज गया है, ठीक है। बाकी यहाँ मैं आपको और दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो 500 व्यूज गया है, ठीक है। और भी दिखाता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों कुछ जरूरी नहीं कि ऑल आपकी ऑल रील्स वायरल हो। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरी रील्स ज़्यादा नहीं पड़ी है इस वाले इंस्टाग्राम आईडी पे, ठीक है। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी न्यू है, ठीक है। और मैं आपको अपना वो सम्राट्स पर टैग वाला दिखाता हूँ काउंट, ठीक है। और इस पे दोस्तों मेरा 11.3 के फॉलोअर्स है, ठीक है, 11.3 के फॉलोअर्स, ठीक है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। बाकी मैं अब मैं आपको ये फर्स्ट वाले अकाउंट का व्यूज दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लोग व्यूज व्यूज देख सकते हो मेरा, ठीक है। यहाँ पे देखो व्यूज कितना कितना व्यूज गया है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको और दिखाता हूँ एक अकाउंट अपना, जो हमारा एक अकाउंट और था, इस पे मैं आपको फॉलोअर्स दिखाता हूँ आप, ठीक है। 27.9K, ठीक है, 27,000 फॉलोअर्स, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये मेरा बिजनेस वाला अकाउंट है इंस्टाग्राम का, ठीक है। मैं प्रमोटिंग करता हूँ इस वाले अकाउंट पे, ठीक है। अब कुछ लोग ये कमेंट कर रहे थे कि भाई हमारे जो है इंस्टाग्राम पे व्यूज नहीं आ रहा है, ठीक है, व्यूज नहीं आ रहा है, ठीक है। और सबसे मेन बात दोस्तों, मैं पहले ये आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आप जैसे कि इंस्टाग्राम पे जब शुरू शुरू में इंस्टाग्राम पे बहुत ही कम लोग आते थे, बहुत ही कम लोगों का अकाउंट होता था, बहुत ही कम लोग इंस्टाग्राम पे और रील्स बना के पोस्ट करते थे, ठीक है। तो कुछ लोग पहले ऐसे ही इधर उधर की वीडियो बना के डाल देते थे, ठीक है। तो उस पर व्यूज बहुत अच्छा जाता था, 500, 10,000 व्यूज, 500, ठीक है, और 1,000 व्यूज, 2,000 व्यूज, 3,000 व्यूज, 5-5,000 व्यूज नॉर्मल था पहले शुरू शुरू के टाइम, ठीक है, 5,000 व्यूज नॉर्मल था, ठीक है। तो अब जो ऐसा हो गया, अब इंस्टाग्राम पे हर एक बंदा भाई व्यूज पाना चाहता है, हर एक बंदा सोचता है कि भाई हमारा फॉलोअर्स गेन हो, हम आगे बढ़े, हम वायरल हो, हमारा फेस पॉपुलर हो, ठीक है। और कंपटीशन कुछ ज़्यादा हो चुका है अब भाई इंस्टाग्राम पे, ठीक है। अब कुछ बंदे पता है क्या सोचते हैं, वो इंस्टाग्राम पे न्यू अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है, न्यू अकाउंट बना लेते हैं, और जो उनका पहले वाला अकाउंट होता है वो सोचते हैं कि भाई हमारे इस वाले अकाउंट में व्यूज नहीं आ रहा है, और वो बिना चेक किए वो उस वाले अकाउंट को डिलीट कर देते हैं और न्यू अकाउंट बना के उस पर पोस्ट करने लगते हैं। फिर बाद में बोलते हैं कि भाई हमारे ये न्यू अकाउंट पे भी व्यूज नहीं आ रहा है, ये तो हमने न्यू अकाउंट बना रखा है, इस पर तो व्यूज आना चाहिए था ना। तो अब मैं आपको बताता हूँ पहले आपको क्या चेक करना है, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो हम चलते हैं, 3 लाइन पे क्लिक करते हैं, 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद सेटिंग पे क्लिक करते हैं, ठीक है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, यहाँ प्राइवेसी और यहाँ पे एक एक सेटिंग है, ठीक है। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको एक मेन मेन पॉइंट की बात बताता हूँ, यहाँ पे जब आप वीडियो अपलोड करते हो आपको क्या देखना चाहिए। अब यहाँ पे देखो काफ़ी बंदे पता क्या करते हैं, डाटा सेवर को ऑन कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लिखा है अपलोड हाई क्वालिटी, ये मैंने ऑफ कर रखा था, मेरा ऑन था पहले, ये मैंने आपको दिखाने के लिए, ठीक है, इसको आपको ऑन करना है ताकि आपके जो भी रील्स हो वो हाई क्वालिटी में अपलोड हो, ताकि अच्छी क्वालिटी आए, ताकि आपकी जो रील्स है वो और भी आगे लोगों के पास भेजे इंस्टाग्राम वाला, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना, अब मैं आपको और बताता हूँ क्या करना, ठीक है। यहाँ पे प्रोफेशनल एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक है कुछ ऑप्शन न्यू आया है, चलो इनके बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे सब शो होता है कि आपको कितना फॉलोअर्स गेन हो रहा है, कितना व्यूज आ रहा है, कितना क्या है क्या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 3 लाइन फिर से क्लिक करते हैं, सेटिंग पे जाते हैं, और सेटिंग पे जाने के बाद दोस्तों हम यहाँ नीचे की तरफ अकाउंट पे चलते हैं, ठीक है। और कुछ बंदे पता क्या करते हैं, अकाउंट को प्राइवेट करके रखते हैं, ठीक है, काफ़ी बंदे अकाउंट को प्राइवेट करके रखते हैं, फिर बोलते हैं कि भाई हमारी रील्स पे व्यूज नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अकाउंट को प्राइवेट नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये हमारा प्राइवेट नहीं है, इसको बेकाते हैं, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं और दिखा देता हूँ, शेयरिंग एंड रिमिक्सिंग, ठीक है। और यहाँ पे ये अलाउ पोस्ट, ठीक है, अलाउ स्टोरी, अलाउ सब कुछ अलाउ करके, ठीक है, एवरी वन पे रखना है, अलाउ 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 सब कुछ अलाउ, ठीक है। और फेसबुक पे रिकमेंडेड होना चाहिए आपका रील्स, तो व्यूज अच्छा आता है। यहाँ पे देखो रिकमेंडेड ऑन फेसबुक, मेरा ऑन है, ठीक है, ये ध्यान देना है।
ठीक है, जो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में सब अच्छे से बताऊंगा, और वीडियो को भाई स्किप मत करना, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और मैं आपको और बता दूँ आपको क्या ध्यान देना है, और स्ट्रिक पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, कोई भी, ठीक है, यहाँ पे कोई भी स्ट्रिक नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं फिर से बैक की तरफ, मैं आपको और बता, अकाउंट सेंटर पे चलते हैं, और अकाउंट सेंटर पे जाने के बाद यहाँ पे अकाउंट पेमेंट, ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं, सेटिंग, यहाँ पे नीचे की तरफ आते हैं और यहाँ पे गूगल एड्स पे, एड टूल्स पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे, यहाँ पे देखो लिखा इंक्रीज योर स्पेंडिंग लिमिट बूस्टिंग, ठीक है। ए जैसे कि मैंने एड को बूस्ट कर रखा था, 423 रुपये मैंने खर्च कर दिया था इसमें बूस्ट करने में, ठीक है। और जिसको मान लो इंस्टाग्राम पे अपनी पोस्ट को बूस्ट करना है, नहीं करना आता है, वो लोग मेरी वीडियो पे कमेंट करना, हम उसके ऊपर भी एक वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखो सब कुछ सही है, बाकी मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, यहाँ पे वो चीज़ हमको मिल नहीं रही है, कुछ वो कुछ ऑप्शन चेंज हो चुके हैं ना अपडेट होने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं ब्लॉकेड हिस्ट्री टैग कमेंट शेयरिंग लिमिटेड हाइड फॉलो एसिलिटी अकाउंट ओ हेल्प अकाउंट, यहाँ ये ऑप्शन मिल गया, ठीक है। अकाउंट स्टेटस पे जाने के क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखो रिमूव रिमूव्ड कंटेंट, ठीक है, ये ब्लू टिक का निशान आ रहा, सही है, बट कैन नॉट बी रिकमेंडेड, ठीक है, सही है, मोनिटाइज के लिए सही है, फ्यूचरस फीचर्स यू कैन नॉट यूज, देखो सब ब्लू ब्लू टिक का निशान आ रहा, ठीक है, यानी कि सब ओके है। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये भी देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो सब टिक आ रहा, सही से टिक आ रहा। अगर ये आपके अकाउंट पे सब टिक सही से आ रहा है ना, तो आप लोग जो है उसी अकाउंट पे काम करो, आपको न्यू अकाउंट इंस्टाग्राम का नहीं बनाना है भाई। और सबसे खास बात तक क्या होती है, अब कुछ बंदे बोलते हैं कि भाई हमारी रील्स जो है लोगों के पास आगे रिकमेंडेड नहीं करता है इंस्टाग्राम वाला, वो पता कैसे पता चलता है, वो ऐसे पता चलता है कि आपके जितने फ्रेंड हो वो जब स्क्रॉल डाउन करके रील्स देखते हैं, उनसे पूछा करो, पता चल जाएगा। मैंने चेक करके देखा था, मेरा ये न्यू अकाउंट है, हमारी जो जितनी भी रील्स है सभी के पास पहुंचती है, पर बंदे देखे या ना देखे, लाइक करे या ना देख करे, वो हमारे ऊपर नहीं होता, वो उनके ऊपर होता है भाई। क्योंकि देखो उनकी, उनको रील्स अगर पसंद आएगी तो तभी वो मान लो आपको लाइक करेगा, फॉलो करेगा, आपकी रील्स आगे जाएगी। समझ समझ रहे हो मैं बात, जो बात बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, ठीक है। अब आपको पता क्या करना है, अगर आपको अपना रील्स वायरल करना है इंस्टाग्राम पे, आपको जाना है सर्च पे, सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे देखो जवान मूवी विजय कंटेंटनी सॉरी कंटेक्शन शायरी ट्रैवल फोटोग्राफिक, ठीक है, यहाँ पे जितने भी ये आ रहे हैं ये सब ट्रेंडिंग है, ठीक है। जवान मूवी पे क्लिक करते हैं और जवान मूवी की रील्स पे जाते हैं, ठीक है। जवान मूवी पे जितनी भी रील्स जो मान लो वीडियो बनी है, आप इनके ऊपर वीडियो बना के एक देखो, अभी अभी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ जवान मूवी को आए हुए, ठीक है, तो आप इसके ऊपर बना के देखो। अब यहाँ पे मैं आपको हैशटैग दिखाता हूँ, ठीक है, टैग पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखो जितना भी ये टैग है, यहाँ पे देखो काफ़ी टैग है, यहाँ पे ऐसे दोस्तों जो है आपको 7 टैग उठा लेना है, 7 टैग जो है कॉपी कर लेना है या लिख के रख लेना है, फिर बस जवान मूवी को शूट मान लो वीडियो शूट कर लेना जवान मूवी का, और अपलोड करके टैग लगा के 7 टैग या 8 टैग लगा के अपलोड कर देना। अगर दोस्तों आपकी रील्स पे व्यूज ना आए तो भाई आप लोग हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो भाई वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पे इसी प्रकार की वीडियो मिलती है। तो दोस्तों हम मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।